जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये सीखेंगे। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, एंगल कैसे उनके बीच निकालते हैं, ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। आज हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम वेक्टर के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। पहला वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इसी का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा वाला जो है वह है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। पहला वाला डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा वाला डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वाला क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। दो वेक्टर को हम दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर ही आता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके अंदर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है। तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे, खूब सारी बातें डॉट प्रोडक्ट के बारे में करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसका माल फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, और पहला जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट की जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसका नाम देखिए स्केलर प्रोडक्ट भी था। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑप्टेन इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो भी इसमें प्रोडक्ट आता है डॉट प्रोडक्ट में वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे हम डिफाइन करते हैं, ए और बी के बीच हम एक डॉट लगाते हैं, इसका सिंबल ये है, इसीलिए अच्छा डॉट लगाते हैं, इसलिए नाम भी इसका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट नाम होने की वजह ये है कि ए और बी के बीच एक डॉट सा लगा दिया हमने, तो इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। और ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, जहां ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। तो देखिए ये ए और बी ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, जहां ए और बी मैग्नीट्यूड है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, और थीटा इनके बीच का एंगल है, वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो मैं थीटा लिख देता हूं, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो भी आ सकता है, तीनों आ सकता है। तो अगर मैं ए डॉट बी लिखूं, ए डॉट बी ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ए डॉट बी पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा जीरो से 90 के, थीटा जीरो से 90 होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता है। तो थीटा जो है जब 0 से 90 के बीच में होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और यही डॉट प्रोडक्ट 0 आता है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, और यही डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है व्हेन थीटा इज 90 से 180 के बीच में होता है। मतलब ए डॉट बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, अगर वेक्टर्स के बीच एंगल जीरो या 90 के बीच में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर एंगल 90 हो गया तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, और अगर थीटा 90 से 180 के बीच में हो गया तो ए डॉट बी नेगेटिव हो जाएगा। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके बीच का एंगल क्या है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं कि भाई अलग अलग वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। तो जैसे कुछ खास वेक्टर्स के बीच हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि
वेक्टर आई, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो सपोज करो कि मैं आई डॉट जे निकालू, आई कैप यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप वाई डायरेक्शन में है, चूंकि एक्स और वाई डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो आई डॉट जे किसके बराबर जाएगा, 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और इनके बीच एंगल 90 डिग्री, कॉस 90, तो ये कितना आ जाएगा 0, तो आई डॉट जे जो आता है वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि जे कैप डॉट के कैप ये भी 0 आ जाएगा और k कैप डॉट आई कैप ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, k डॉट आई जो है ये भी 0 होगा। तो एक बात ये आ गई कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये मैंने जो भी परपेंडिकुलर होंगे वो 0 होंगे। अब जैसे आई डॉट आई लिख निकालना है मुझे, आई कैप डॉट आई कैप ये होगा 1 × 1 × cos 0, क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल 0 आएगा ना, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम ही वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। कॉस 0 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 × 1 × 1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई 1 होगा। इसी तरह से आई डॉट आई अगर 1 होगा, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जे डॉट जे जो है ये भी 1 होगा और के डॉट के जो है ये भी 1 आ जाएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये 1 के बराबर होगा, और आई जे के इनका आपस में जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो चूंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे सपोज करिए वेक्टर ए दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, और वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट बी निकाले हैं, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ए डॉट बी की मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसके अंदर रिजल्ट बनने जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखते जाइएगा। जब मैं जैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता था कि मैं इसको पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वाले को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कुल मिला के 9 टर्म्स आएंगे। तो अब जैसे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट आई जो है 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। फिर मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट जे 0 हो जाता है, तो यहां मैं 0 लिख दे रहा हूं। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट के भी 0 होता है, तो यहां भी 0 लिख दे रहा हूं। फिर मैं इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जे डॉट आई 0 होता है, तो यहां भी 0 हो जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जे डॉट जे 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई। फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0, इसको जब मैं जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0, फिर जब मैं इसको के कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये ए जेड बी जेड हो जाएगा। कुल मिला के जो रिजल्ट आया वो आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। तो कभी भी अगर ए और बी वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर होता ही है, और आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और बाकी अगर आपको आई जे के में वेक्टर दिए गए तो ए डॉट बी की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया, तो स्केलर प्रोडक्ट का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना। जैसे एक मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखा रहा हूं कि हम कैसे दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और वेक्टर बी मान लिए दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप,
मान लीजिए कि ये वेक्टर बी दिया हुआ है और हम ए और बी के बीच एंगल निकालना चाहते हैं, तो अगर हम ए और बी के बीच एंगल निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर है, तो हम यहां से अगर देखें, इस जगह से अगर हम देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब देखो मैं कॉस थीटा अगर यहां से निकालूंगा तो ए डॉट बी अपॉन ए बी, यहां से मैं कॉस थीटा निकालने जा रहा हूं ए डॉट बी। अच्छा, जब मैं ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, फिर ये 3 इंटू 4 ये भी 12 हो जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू तो ये आ गई एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई अपॉन ए बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर ए का अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड होता है इसके स्क्वायर के इसके स्क्वायर का रूट, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। उसी तरह से बी का जो मैग्नीट्यूड है इसको भी अगर आप देखोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 हो गया, तो अंडर रूट 25 5, तो ये 5 इंटू 5, तो ये सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25 हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल ये होता है कि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो एंगल आ जाएगा कॉस इनवर्स, जो भी एंगल आया आप देखें तो वो कॉस इनवर्स 24 अपॉन 25 आ गया। और भी डॉट प्रोडक्ट में बड़े अच्छे अच्छे इस्तेमाल होते हैं। एक और डॉट प्रोडक्ट का सवाल कर रहा हूं मैं, एक सवाल ये है वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी इन्होंने दिया है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये दिया है वेक्टर बी जो है वो दिया है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर ए ये दिया हुआ है, वेक्टर बी ये दिया है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये बनता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। x की वैल्यू बताओ जिससे कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। एक मिनट का समय लेकर के पॉज करके सॉल्व कर लेना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखें, ये दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, इसका इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो आएगा। तो अगर मैं ए डॉट बी की वैल्यू लिखूं, ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी इसमें से इसको मैं अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा 3x। यहां से देखें एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला वाई से मल्टीप्लाई होगा, जेड वाला जेड से, तो ये हो गया 3x। वाई वाला वाई से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4, जेड वाला जेड से तो माइनस 5, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1/3 होगी तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि दो वेक्टर्स अगर पर, बड़ा अच्छा ये इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, जब भी कभी आप पूरा फिजिक्स पढ़ डालेंगे राइट फ्रॉम मतलब ये मैकेनिक्स से लेके मैग्नेटिज्म और इधर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह भी पढ़ोगे, टॉर्क वगैरह जो भी आपका फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें जब भी कभी फिजिक्स में बोलता है ना परपेंडिकुलर, तो उसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब जो आता है वो यही आता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर की सबसे अच्छी पहचान जो अभी तक डॉट प्रोडक्ट की बनी हुई है, अब सबसे अच्छी पहचान यही है कि दोनों जो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। एक वेक्टर दिया है ए जो कि है 2x i कैप प्लस वाई जे कैप है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो दिया है बी ये दिया है
3x आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। पहला वेक्टर ये दिया है, दूसरा वेक्टर ये दिया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सॉरी एक्स एंड वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ये भी वही सवाल है जो पिछला सवाल बताया था, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो आना चाहिए। अब मैं यहां से ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो लिखता हूं, परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा जीरो इज इक्वल टू, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x², वाई वाला वाई से तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू 6 + y इज इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी कि भाई अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो अगर सिर्फ ये जीरो है तो एक सोल्यूशन आएगा x बराबर जीरो, अगर 6 + y जीरो है, 6 + y अगर जीरो है तो y कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो x और y की जो वैल्यू है वो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, x की वैल्यू जीरो आ गई और y की वैल्यू जो आई वो -6 के बराबर आ गई। तो जैसे a डॉट b की मदद से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालते हैं और कॉन्स्टेंट्स वगैरह की वैल्यू निकालते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन ढूंढते हैं। ठीक है, कुछ और जैसे एक सवाल में दे रहा हूं जिसमें हम a डॉट b का यूज करेंगे। सपोज करें कि कोई वेक्टर a है जो कि है वेक्टर x प्लस 2 वेक्टर y ऐसा है, और कोई दूसरा वेक्टर b है जो है 3 वेक्टर x माइनस वेक्टर y ऐसा दिया हुआ है। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर y। वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर y। तो 2 मिनट का पॉज लेंगे, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और फिर मेरे साथ आएंगे आप। तो अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b मैं निकालता हूं यहां से, a डॉट b जीरो आना चाहिए। a डॉट b की वैल्यू देखें अगर तो ये हो जाएगा x वेक्टर x प्लस ट्वाइस ऑफ द वेक्टर y डॉट ऑफ थ्राइस ऑफ द वेक्टर x माइनस वेक्टर y, और ये जीरो के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो इन दोनों इसका इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसका इन दोनों के साथ लेंगे। तो अगर मैं इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो हो जाएगा x x डॉट 3x हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ लेंगे तो लेंगे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर y, फिर इसका लेंगे हम तो ये इसका इसके साथ लेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y डॉट x, फिर माइनस 2y डॉट y जो है y डॉट y जो है y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y², ये जीरो के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये 6x डॉट y माइनस x डॉट y हो जाएगा 5x x डॉट y, तो ये हो जाएगा 3x²
माइनस टू वाई स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x, जैसे दो वेक्टर x और y है, इनका डॉट लिखेंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा इसी जगह से, तो यहां से देखो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा जो आएगा ये बराबर जाएगा टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, कॉस थीटा जो आएगा ये बराबर जाएगा टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव एक्स वाई। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स x और y के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, तो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच एंगल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना। अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ा जो दूसरा इस्तेमाल है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट निकालना, इसी को हम इसी को कई बार किताबों में प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी ऐसा भी बोलते हैं। जिस चीज को हम लोग कंपोनेंट कह रहे हैं उसको कई बार ज्योमेट्री में प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या वेक्टर के टर्म में बात करें तो फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट की वजह से कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, हम ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं, तो बेसिकली ये एंगल अगर थीटा है तो ए का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो यही तो आएगा। अगर हम ए का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकालना चाहें तो वो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू है और ये ए है तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा। तो ए का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो कंपोनेंट जो आएगा वो ए कॉस थीटा आ जाएगा। मैं लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अगर हम कंपोनेंट ए का कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी जो है, अगर मैं ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो ये बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी जो आएगा वो ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये जो ए कॉस थीटा की वैल्यू है अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये ए कॉस थीटा कितना होगा, चलिए ए कॉस थीटा था, इस ए कॉस थीटा को मैं ऐसे लिखता हूं ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, भाई ये ए कॉस थीटा था ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ए ए बी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी। तो अगर मैं ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहता हूं तो उस कंपोनेंट की वैल्यू जो आएगी ये आएगी। तो ए का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो कंपोनेंट आ गया ए डॉट बी अपॉन बी, लेकिन ये तो सिर्फ वैल्यू है। ए का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो ये आ गया। अगर मैं डायरेक्शन के साथ निकालना चाहूं, डायरेक्शन के साथ, तो कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी ये आएगा एक ए डॉट बी अपॉन बी, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और चूंकि इस वेक्टर का हम इधर कंपोनेंट ले हैं तो डायरेक्शन तो ये बी ही रहेगा, तो हम इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ए का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो देखिए ए कॉस थीटा आया, हमने बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये ए डॉट बी अपॉन बी आ गया। अब उसके बाद तो कंपोनेंट की जो वैल्यू आई वो ए डॉट बी अपॉन बी आ गई, और हम अगर उस कंपोनेंट का डायरेक्शन चाहते हैं तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कंपोनेंट जो है बी के डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में ही आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू निकालनी है तो ए डॉट बी अपॉन बी हो जाएगा, और अगर आपको डायरेक्शन के साथ चाहिए तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें?
अब थोड़ा सा एक सवाल मैं दे देता हूँ, जिससे कि आप ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने सवाल कराया है आपको, मेथड बताया है, इसको आप अप्लाई करना सीख जाएं। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं, वेक्टर ए दिया है 6i कैप + 8j कैप और वेक्टर बी दिया है 4i कैप + 3j कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स दिए हैं। क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में अगर हमको कंपोनेंट निकालना है तो अपने पास एक फार्मूला बना बनाया फार्मूला है। ए का बी के डायरेक्शन में निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन बी इंटू बी कैप, तो मैं लिखता हूं ए डॉट बी अपॉन बी और डायरेक्शन इसका बी कैप आएगा। तो ए का बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो इस रूल से दिया जाएगा। अब ए डॉट बी, अगर आप देखें तो ए डॉट बी, जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई होता है, वाई वाला वाई से मल्टीप्लाई होता है। तो जब मैं ए डॉट बी करूंगा तो ये 6 × 4 आ जाएगा, 6 × 4 कितना हो गया 24, फिर ये 8 × 3 आ गया, ये भी आ गया 24। मतलब x वाला x से मल्टीप्लाई हुआ, y वाला y से मल्टीप्लाई हुआ। b का मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो इसका, अगर यहाँ b लिखा है ना मैंने, तो b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 5 आ जाएगा, √4 2 + 3 2, ये 5 आ गया। b कैप लिखना है मुझे, तो b कैप जो आएगा, अगर यहां से देखें b कैप जो आता है, कोई भी वेक्टर जो होता है, अगर मुझे कैप लिखना है तो वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, तो b कैप बेसिकली वेक्टर अपॉन, तो वेक्टर b कितना था 4i कैप + 3j कैप, मैग्नीट्यूड भी का जो है 5 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी, 24 × 24 = 48 / 25 4i कैप + 3j कैप, 48 / 25 4i कैप + 3j कैप। तो ए का बी के डायरेक्शन में इस तरह से हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको याद रखना है, ए डॉट बी अपॉन बी इंटू बी कैप। अभी आपसे कहा जाता है बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालिए, तो फिर बी और ए इंटरचेंज हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, बी डॉट ए अपॉन बी इंटू ए कैप, इस तरह से आ जाता है। तो ए और बी का एक दूसरे के डायरेक्शन में कंपोनेंट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे वेक्टर के अंदर एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात यह होती है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, जो रिजल्ट आता था वो एक स्केलर हुआ करता था, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे स्केलर आ जाता था। क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो भी एक स्केलर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये चीज मैं यहां नोट भी कर देता हूं, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका सिंबल क्या होता है, देखें क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी, ये इसका सिंबल होता है, क्रॉस लगाते हैं बीच में। और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू, क्योंकि रिजल्ट एक वेक्टर आता है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, एक ए ए का मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा उनके बीच का एंगल है, इंटू एक यूनिट वेक्टर में यहां एन कैप लिख रहा हूं। एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। जैसे ए क्रॉस बी जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा, तो एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताता है। तो एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी को हम इस तरह से निकालते हैं, यहां पर एन कैप लिखता हूं मैं इज ए यूनिट वेक्टर, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b। n कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है a क्रॉस b के डायरेक्शन में, जो भी वेक्टर a क्रॉस b है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n कैप। ठीक है, अब देखिए इसमें ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो गया,
तो अब ये एन कैप का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? एन कैप का डायरेक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल होता है और एक राइट हैंड पाम रूल होता है। दोनों में से आप कोई भी मेथड, जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे आप सीखें। मैं दोनों मेथड आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चा पाम रूल यूज करने लगता है, कई बार थंब रूल यूज करने लगता है। मैं आपको एक रूल सिखाऊंगा। तो एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं राइट हैंड पाम रूल सिखाने जा रहा हूं आपको। पाम रूल, थंब रूल भी, अगर आपको पहले से थंब रूल पता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई सही आना चाहिए। चाहे आप पाम रूल यूज करें चाहे थंब रूल यूज करें, तो मैं आपको राइट हैंड पाम रूल यूज बता रहा हूं कैसे क्या होता है। तो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ए क्रॉस बी की वैल्यू में तो कोई टेंशन ही नहीं है, देखो ए बी साइन थीटा है। मुश्किल आती है इसका डायरेक्शन निकालने में, तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक राइट हैंड पाम रूल दिया है। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये राइट हैंड पाम रूल जो है उससे हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते हैं, और जैसे मान लिया जाए कि ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो पाम रूल जो है, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि हम वेक्टर ए के डायरेक्शन में अंगूठा ले जाएंगे अपना। फिर से सुनिए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में अंगूठा, बी के डायरेक्शन में उंगलियां। तो पाम का जो डायरेक्शन होगा, जैसे इधर से कर दे रहा हूं मैं, वेक्टर ए के डायरेक्शन में अंगूठा, उतना स्पेस यहां नहीं है, तो जैसे वेक्टर ए है इसके डायरेक्शन में अंगूठा, या चलो मैं दूसरी जगह बना देता हूं थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए, इसको मैं मिटा के ऐसी जगह बनाता हूं जहां पे थोड़ा ऊपर है तो स्पेस मिल जाएगा मुझे सिखाने के लिए। सपोज करा जाए कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो उसका नियम यह है कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में अंगूठा, बी के डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम जिधर जा रहा है, पाम ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो पाम जिधर जा रहा है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। फिर से देखें, वेक्टर ए के डायरेक्शन में उठा, बी के डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम इधर जा रहा है। पाम को आप तमाचा समझ सकते हो, वेक्टर ए इधर है, बी इधर है, तमाचा तो इधर जा रहा है ना, तो जिधर तमाचा जा रहा है उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर मैं ए के डायरेक्शन में राइट हैंड को यूज करना है, अगर मैं ए के डायरेक्शन में अपना अंगूठा ले जाऊं, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में क्या ले जाऊंगा, अंगूठा, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में क्या ले जाऊंगा, उंगलियां, दूसरा वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में उंगलियां ले जाऊंगा, तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो तमाचे का डायरेक्शन होगा। ये तमाचा जो है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। मैं इसको नोट कर देता हूं, लिखता हूं मैं, इफ वी एक्सटेंड द थंब अलोंग वेक्टर ए एंड फिंगर्स along, if we extend the thumb along vector A and fingers along vector B, then the direction of palm, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, तमाचा, समझाने के लिए ए हो गया ये बी हो गया तो ए क्रॉस बी इधर ही आएगा, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। फिर से मैं सिखा रहा हूं आपको, वेक्टर ए के डायरेक्शन में उठा, बी के डायरेक्शन में गया, तो पाम का डायरेक्शन जो होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे इसी के अंदर मान लो ए के डायरेक्शन में अंगूठा किया, बी के डायरेक्शन में उंगलियां की, तो पाम का डायरेक्शन ए क्रॉस बी हो गया। कई बार आपसे पूछता है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालो, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है तो पहला वेक्टर हो गया बी, तो बी के डायरेक्शन में अंगूठा होगा, ए के डायरेक्शन में उंगलियां होगी तो पाम अंदर की तरफ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर आप देखें यहां बाहर की तरफ आ रहा है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं, ए इस प्लेन में था, बी इस प्लेन में था, पाम जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर ए और बी दोनों इसी प्लेन में है, लेकिन ए क्रॉस बी तो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था ना, इधर आ रहा था, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं, काम की बात है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर
a cross b is perpendicular to both vector a and vector b. A क्रॉस B जो है वो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है. A क्रॉस B दोनों के परपेंडिकुलर होता है. एक बात यहां से आ गई, जैसे इस केस में देखें तो A क्रॉस B जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो और अगर B क्रॉस से देखें तो वो अंदर की तरफ जा रहा होगा. यहां से एक बात और काम की आती है कि A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर यहां से बाहर आ रहा है तो B क्रॉस से अंदर आ रहा है. वैल्यू तो दोनों की सेम है, AB sin थीटा. एक का डायरेक्शन बाहर है तो एक का अंदर की तरफ है. तो यहां से एक और काम की बात निकल के आती है कि ए क्रॉस बी जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. माने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की वैल्यू तो सेम ही आ रही है लेकिन डायरेक्शन उल्टा आ रहा है. ए क्रॉस बी जैसे इस केस में बाहर की तरफ आ रहा है तो बी क्रॉस ए अंदर की तरफ आ रहा है. तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आ गया. एक बात ही आ गई. कुछ और बातें एक क्रॉस बी के बारे में कि अगर मान लिया जाए कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, जैसे देखिए ए बी साइन थीटा था, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो थीटा जीरो हो जाएगा. थीटा जीरो हो जाएगा तो ये साइन जीरो जीरो हो जाता है तो एक क्रॉस बी जीरो हो जाएगा. तो अब एक इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है, लिखता हूं मैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन their cross product is zero. दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो गए तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है. एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई कि पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ए क्रॉस बी जो होता है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है. दूसरी बात ये आ गई कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो पैरेलल है तो थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज रही. और भी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं. तो अब जैसे आई कैप जे कैप के कैप हम लोग जानते ही हैं. आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, मैं आपको बता रखा है. जैसे मान लिया ये वेक्टर हो गया आई कैप, ये वेक्टर जे कैप है, तो बोर्ड के प्लेन के बाहर जो होगा वो के कैप होगा. ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि अगर ये आई कैप है ये जे कैप है तो ये जो मैंने बोर्ड के वेक्टर बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ के कैप होगा. जब भी मैं गोला बना के डॉट बनाऊं इसका मतलब वो वेक्टर बाहर आ रहा है. फिजिक्स में 11 12 सब में गोला बना के डॉट बना लिया तो वेक्टर बाहर आ रहा है, अगर क्रॉस बनाऊंगा तो ये अंदर जा रहा होगा. तो खैर यहां डॉट लगा हुआ है तो ये वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है. अब इसमें आई कैप जे कैप के कैप हमने डिसाइड कर लिया. थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं तुरंत ये क्लेम कर सकता हूं कि आई क्रॉस आई जीरो होगा. आई क्रॉस आई जीरो क्यों होगा, क्योंकि आई और आई के बीच एंगल जीरो आ जाएगा. आई और आई के बीच एंगल जीरो आ जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो आई क्रॉस आई जीरो होगा. इसी तरह से जे क्रॉस जे भी जीरो होगा और इसी तरह से के क्रॉस के भी जीरो के बराबर होगा. एक काम की बात निकल रही है, आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, के क्रॉस के जीरो होगा, तो ये सब जीरो ही होंगे. यहां जीरो नल वेक्टर, ऐसे जीरो पे एक तीर लगा दें, चाहे नल वेक्टर बोल दें या जीरो बोल दें, बहुत इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें. हम लोग तो उतना ही वेक्टर सीख रहे हैं जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है. गणित में जो वेक्टर होता है वो तो बहुत डिटेल में होता है, तो बहुत ही कुछ होता है उसके अंदर. हम वेक्टर उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है. खैर तो ये आई क्रॉस आई का आ गया. अब उसके बाद इसके अंदर एक और आता है, आई क्रॉस जे अगर मुझे निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा. जैसे मैं यहां पे आई क्रॉस जे की वैल्यू अगर लिखूं इसी जगह पे, देखिएगा जरा ध्यान से. आई क्रॉस जे, ए क्रॉस बी जब लिखा जाता है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच के एंगल का 90 डिग्री. और आई क्रॉस जे का डायरेक्शन जरा देखो, डायरेक्शन क्या होगा. अगर मैं आई के डायरेक्शन में अंगूठा, जे के डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम मेरा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये के कैप हो जाएगा. ठीक है, तो आई क्रॉस जे जो आएगा इट विल बी इक्वल टू के कैप. आई क्रॉस जे के कैप के बराबर हो जाएगा और जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर हो जाएगा और के क्रॉस आई जो है, सॉरी मतलब यहां आप पहले इसको देख लीजिए, थोड़ा ये आई इधर है जे इधर है, आई क्रॉस जे के बराबर आ गया. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आई क्रॉस जे क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ आई टी इंटू जो भी इसका परपेंडिकुलर होगा. तो देखो अंगूठा इधर ले गया, उंगलियां इधर ले गया, तो पाम इधर आ रहा है तो के हो जाएगा. तो आई क्रॉस जे जो है ये बराबर हो गया के.
अब जरा j क्रॉस i देखो, वैल्यू तो 1 ही आनी है। j क्रॉस i अगर मैं करूंगा तो वेक्टर j इधर है, j के डायरेक्शन में अंगूठा, नहीं j क्रॉस i नहीं, जैसे i क्रॉस j क्रॉस k निकालना चाह रहा हूं मैं, j क्रॉस k, तो वेक्टर j के डायरेक्शन में अंगूठा, k के डायरेक्शन में उंगलियां, तो j क्रॉस k किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, यानी ये वाला डायरेक्शन i कैप का डायरेक्शन हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि j क्रॉस k दिस इज इक्वल टू i कैप। अब k क्रॉस i अगर जैसे i क्रॉस j k हो गया, ठीक है, j क्रॉस k k हो गया, k क्रॉस i जरा देखो, तो k वेक्टर जो है ये बाहर की तरफ था, तो इसके डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया मैंने, i के डायरेक्शन में लिया, तो पाम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो k क्रॉस i जो होगा ये j के बराबर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको तीन बताया, इसको याद करने का भी एक तरीका हम लोगों ने बना रखा है, याद करने का तरीका है, यहां लिखो i कैप, यहां लिखो j कैप, यहां लिखो k कैप, ऐसे बनाओ और क्रॉस लगा दो। मतलब क्या है, मतलब समझो, i क्रॉस j करेंगे तो वो k हो जाएगा, j क्रॉस k करेंगे तो वो i हो जाएगा, k क्रॉस i करेंगे तो वो j हो जाएगा। मतलब अगर हम इस तरह से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये देगा, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन ये देगा, इसका इसका ये देगा। और अगर हम उल्टा चलने लगे तो j क्रॉस i माइनस k हो जाएगा, k क्रॉस i, i क्रॉस k माइनस j हो जाएगा, k क्रॉस j माइनस i हो जाएगा। तो मतलब अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ए डॉट भी निकालना सिखाया था, वैसे मैं ए क्रॉस भी निकालना सिखा रहा हूं। मान लेते हैं कि वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी एक्स है, वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आती है, जो गणित वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, वो तो आसानी से समझ सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। जो गणित वाले नहीं, उनको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो पहले तो इसको इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ए क्रॉस बी की वैल्यू इसके बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा दूं। इसमें यह होता है कि जैसे आई जे के लिखा हुआ, तो पहले मैं आई कैप लिखूंगा और फिर इन दोनों को, जैसे आई कैप मैंने लिखा तो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, तो ये दोनों छोड़ दिया, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये हो जाएगा आई कैप हो गया माइनस जे कैप, माइनस जे कैप हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ दिया जाए, तो अगर जे वाला देखेंगे हम तो ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी जेड माइनस, या मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, जगह हमारे पास उतनी नहीं है, इधर नहीं लिख रहा हूं, बल्कि मैं इधर लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होगी, पहले मैं लिखूंगा आई कैप, इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो अब ये दो बचे, ये वाला बच रहा है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप, जे कैप में ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा प्लस के कैप, के कैप ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये थोड़ा बड़ा होता है, अगर आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, तो ये आई कैप जब बोलेंगे तो इसको इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये छूट गया, ये छूट गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर यहां माइनस साइन लगाएंगे, जे कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे हम, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के कैप रहेगा, फिर के कैप के साथ ये दोनों छूट जाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, कई जगह जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताऊं, टॉर्क निकालने में, मतलब रोटेशन में जरूरत पड़ती है, उसके अलावा मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म तो पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट ही है। मैग्नेटिज्म अभी आपने पढ़ा नहीं है या कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, तो वो पूर्व में जितने भी फार्मूले हैं मैग्नेटिज्म के सब क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा। अभी ये जो मैंने आपको बताया है इसको थोड़ा अप्लाई किया जाए, एक आध सवाल मैं आपको देता हूं,
एक सवाल ये बन रहा है, ए एक्स वेक्टर, जो वेक्टर ए है ये है 3i कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी जो है ये है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये वेक्टर बी हो गया। आपसे कहा जा रहा है ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए, तो ए क्रॉस बी को मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूं भाई, ए क्रॉस बी की। आप एक मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस मेथड से और फिर बताएंगे मेरा सॉल्यूशन। अब देखिए आप, तो ए क्रॉस बी जो है उसको मैं लिखूंगा, तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट में आई कैप रहेगा, फिर जे कैप रहेगा, फिर के कैप रहेगा, फिर इसका एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट इसका 4 है, और जेड कंपोनेंट, के कैप तो इसमें है नहीं तो जेड वाला 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो एक्स कंपोनेंट है 1 है, वाई कंपोनेंट माइनस 2 है, और जेड कंपोनेंट 6 है। ये हो गया, पहले आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर इसका ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहां से अगर आप देखेंगे। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, जब आई कैप करूंगा तो ये दोनों चले जाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये जाएगा 4 × 6 माइनस 0। फिर मैं लिखूंगा माइनस जे कैप, फिर मैं माइनस जे कैप लिखूंगा, ये आई कैप के बाद जे कैप, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों चले जाएंगे, ये हट गया, ये हट गया, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 1 × 0, तो 3 × 6 माइनस 0 हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में के कैप आएगा, लास्ट में के कैप आ जाएगा, अब जब के कैप आएगा तो ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × -2 हो गया माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 4 ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 24 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 10 के कैप, 24 आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 10 के कैप, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें जब हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट अपने आप में एक मतलब देखें कि वेक्टर ही आ रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है, दो वेक्टर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक इसके अंदर और भी रहता है कि अगर दो वेक्टर्स कभी भी, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि दो वेक्टर्स अगर कभी भी पैरेलल हो गए, ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स अगर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का हमें निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है ये, बॉडी इज गिवन बाय, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जहां आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है और एफ जो है वो फोर्स है। तो किसी, ये रोटेशन में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं फार्मूला अभी आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला टॉर्क आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3k कैप, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब आपसे कह रहे हैं कि टॉर्क की वैल्यू निकालो, अगर वेक्टर आर ये दिया हुआ है और वेक्टर एफ ये दिया हुआ है तो टॉर्क की वैल्यू निकालो। एक मिनट का पॉज लीजिए आप, पहले तो एक मिनट का पॉज लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं देने जा रहा हूं आपको, टाउ था आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस आई कैप प्लस 3k कैप। एक तो देखो डिटरमिनेंट वाला मेथड है,
हम चाहें तो बिना उस मेथड के भी कर सकते हैं। भाई नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कैसे किया है, जैसे मैंने उसे मल्टीप्लाई करना है इसे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा, फिर इसका इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा, और जो रिजल्ट आएगा वह आ जाएगा। तो चलो मैं रिजल्ट लिखता हूं इसका, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं पहले इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो जब मैं इसका इसके साथ लूंगा तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाता है, तो ये हो गया जीरो। फिर मैं इसका इसके साथ लूंगा तो आई क्रॉस के जो आता है, आई क्रॉस के अगर देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आई क्रॉस के माइनस जे आ जाएगा, तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया, और आई क्रॉस के माइनस जे हो गया तो ये जाएगा नाइन माइनस जे कैप। फिर मैं इसका इसके साथ करूंगा तो जे क्रॉस आई जो आता है वो जे क्रॉस आई मैंने फोर इंटू वन तो फोर ही होगा, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस फोर के कैप। और इधर जे क्रॉस के जो होता है वो आई हो जाता है, तो फोर इंटू थ्री जो है वो ट्वेल्व हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्वेल्व आई कैप। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट जो आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वेल्व आई कैप माइनस नाइन जे कैप, ट्वेल्व आई कैप माइनस नाइन जे कैप माइनस फोर के कैप, ऐसे हो जाएगा। भाई ये तो हमें पता ही ना कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई कितना होता है, सर्कल बना के मैंने आपको सिखाया था। तो इस तरह से आप टॉर्क की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे जो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये सब क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, कई बार फिजिक्स में वो भी इस्तेमाल की जाती है, खास करके जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे ट्वेल्थ के अंदर, तो उसके अंदर एरिया वेक्टर निकालने में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कई जगह पे हम लोग इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग का यूज करते हैं। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या, मैं ये समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स को मिला के मान लो कि एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को मिला के एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, मान लो ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट किया जाए, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट अगर मैं करना चाहूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो मैं सिखा देता हूं। ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम जो है ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, ये पहला वाला ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा वाला ट्रायंगल हो गया। तो जैसे मैं इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालूं और डबल कर दूं तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अगर इसका एरिया निकाल के, जो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है दोनों एक ही ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकाल के डबल कर दूं तो आ जाएगा। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप याद करो, ट्रायंगल का एरिया बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो ये हो जाएगा हाफ, इसका बेस कितना है, इसका बेस है ए का मैग्नीट्यूड, और इसकी हाइट अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये बी था ना तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये अगर बी के बराबर है तो ये जो हाइट होगी ये बी साइन थीटा हो जाएगी, तो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। और चूंकि ये तो इस ट्रायंगल का एरिया है, पैरेललोग्राम का निकालना है तो मुझे डबल भी करना पड़ेगा, तो मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये किसके बराबर जाएगा, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा आ गया, तो ए बी साइन थीटा जो होगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा जो है वो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुई, जैसे अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताना चाहूं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हो, अगर उन दो वेक्टर्स को मिला के एक पैरेललोग्राम बनाओ तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वही ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी। तो ए क्रॉस बी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया होता है। देखें, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, और ए और बी से जो बनने वाला पैरेललोग्राम था, अगर उसका एरिया हमने देखा तो वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। तो ए क्रॉस बी ए और बी के बीच बनने वाला पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया होता है। ठीक है, एक चलो एक सवाल कर लेते हैं इस पे। सपोज करिए वेक्टर ए है i कैप प्लस टू जे कैप, और वेक्टर बी जो है वो है टू आई कैप प्लस जे कैप। क्वेश्चन बन रहा है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड फ्रॉम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया आपको बताना है। तो आप 2 मिनट का पॉज लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मेरे साथ आके सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो मुझे तो बस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। जो भी एरिया होगा हम पहले से ही जानते हैं कि ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा। तो चलो मैं ए क्रॉस बी की वैल्यू पहले निकालता हूं, फिर मैग्नीट्यूड लास्ट में निकाल लूंगा। तो वेक्टर ए जो है वो इन्होंने दिया है आई कैप प्लस 2j कैप क्रॉस ऑफ 2i कैप प्लस j कैप। सॉल्व करेंगे हम लोग तो i क्रॉस i जो है, अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस लूंगा तो i क्रॉस i तो जीरो हो गया। i क्रॉस j k के बराबर होता है प्लस k कैप। फिर मैं j क्रॉस i करूंगा तो j क्रॉस i माइनस i क्रॉस j अगर k था तो k क्रॉस i माइनस j हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 k कैप। और j क्रॉस j तो सब जानते हैं जीरो ही होता है, तो ये जीरो हो गया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया -3 के कैप। ये -3 के कैप के बराबर गया, लेकिन हमको एरिया निकालना है तो एरिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तो 3 आ जाएगा। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है और k कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम इसका एरिया का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकली जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं।